इस वीडियो में हम फंक्शन है साइन हाइपरबॉलिक 2x इसका डेरिवेटिव फ़र्स्ट प्रिंसिपल रूल से मालूम करेंगे तो सबसे पहली बात यह है कि आपको फर्स्ट प्रिंसिपल रूल का फार्मूला पता होना चाहिए जो कि हमारे पास है लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो और फिर कोई कोई डेल्टा एक्स की जगह एच भी लिखता है एफ़ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ आफ एक्स डिवाइड बाई एच एच या डेल्टा एक्स दोनों आप लिख सकते हो अच्छा अब यहाँ पर एक बात ये जहन में रखें कि साइन हाइपरबॉलिक्स जो है ये हमारे पास इक्वल होता है ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई टू के और इसी क्वेश्चन में हमें काज हाइपरबोलिक एक्स की भी ज़रूरत पड़ेगी जो कि ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स बाई टू के बराबर होता है यानी कि दोनों में सिर्फ प्लस और माइनस साइन का फ़र्क है अब हम यहाँ पर भी इस एफ आप एक्स को इसकी वैल्यू ही पुट करेंगे साइन हाइपरबोलिक एक्स की यानी कि ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई टू और उसी से हम इसको सॉल्व करेंगे लेकिन चूंकि यहाँ पर साइन है 2x है तो x की जगह 2x आ जाएगा तो e पावर 2x एक्स माइनस ई पावर माइनस टू एक्स डिवाइड बाई टू बन गया इस x की जगह मैंने 2x एक्स पुट कर दिया अब इसके बाद एफ आप एक्स प्लस एच हमें चाहिए होगा तो एफ आप एक्स प्लस एच बराबर आ जाएगा ई पावर टू इन टू एक्स की जगह अगर हम एक्स प्लस एच लगा दें तो हमारे पास आ जाएगा टू एक्स प्लस टू एच ठीक है एक स्टेप में थोड़ा सा डायरेक्ट इसको कर लेता हूँ इसी तरह जब यहाँ पर भी माइनस टू के साथ एक्स प्लस एच आ जाए तो माइनस टू एक्स माइनस टू एच हमारे पास आ जाएगा और ये जो डिवाइड बाई टू है वो अपनी जगह पर लग जाएगा सही हो गया अब हमने क्या करना है लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो अपनी जगह पर आ जाएगा हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जो वैल्यू है यानी कि ई पावर टू एक्स प्लस टू एच और फिर माइनस ई पावर माइनस टू एक्स माइनस टू एच ठीक है और डिवाइड बाई टू तो ये अपनी जगह पर और माइनस के बाद एफ ऑपेक्स की वैल्यू अपनी जगह पर लगा देंगे यानी कि ई पावर टू एक्स माइनस ई पावर माइनस टू एक्स बाई टू और होल डिवाइड बाई एच अपनी जगह पर आ जाएगा अच्छा मैंने इसको ऊपर जो है डेल्टा एक्स लिखा है इसको साफ़ करें अगर एच यूज़ किया है तो फिर एच ही होगा डेल्टा एक्स यूज़ करेंगे तो डेल्टा एक्स ही होगा तो चूँकि हमने एच यूज़ किया है तो फिर uh, सारी जगह एच ही लगाना होगा अब क्या है हमने एल जब हम ले लेना इसका तो हमारे पास टू ही एल बनेगा और ये टू नीचे जाकर एच के साथ मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं ठीक है तो हम उसको लिख लेते हैं टू एच और ऊपर जो कुछ है वो अपनी जगह पर आ जाएगा ई पावर टू एक्स प्लस टू एच सारे टर्म्स बस मैं अपनी जगह पर लिख लूँगा माइनस के बाद ई पावर टू एक्स और माइनस ई पावर माइनस टू एक्स के साइन चेंज हो जाएंगे तो माइनस ई पावर टू एक्स और माइनस माइनस प्लस ई पावर माइनस टू एक्स आ जाएगा अब ये हो गया तो इसके बाद हमने क्या करना है कोशिश करनी है कि हम इसमें एक लिमिट का एक कंसेप्ट है वो यूज़ कर लें जिससे कि हमारे पास ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा वो है लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो ई पावर एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एक्स और ये बराबर होता है वन के यानी कि e का जो पावर होगा वही चीज़ डिनोमिनेटर में भी हो और लिमिट ज़ीरो हो तो फिर हम ये यूज़ कर सकते इस तो यहाँ पर भी हम ये लाने की कोशिश करते हैं तो क्या कर लेंगे एक तो हम ये e पावर 2x एक्स प्लस टू जो है और e पावर 2x जो है इससे e पावर 2x को कामन कर लेंगे सही है जब हम इससे e पावर 2x एक्स कामन करेंगे तो हमारे पास रह जाएगा e पावर 2h और माइनस वन इसके साथ साथ बाकी जो दो टर्म्स है ये ई पावर माइनस टू एक्स माइनस टू एच वाला और ई पावर माइनस टू एक्स वाला तो इसमें हम माइनस ई पावर माइनस टू एक्स कामन कर लेंगे माइनस इसलिए कामन कर रहा हूँ ताकि हमारे पास ये जो पहला माइनस है ये प्लस हो जाए और दूसरा माइनस में आ जाएगा तो मतलब एक किस्म से इसी ये लिमिट वाले कंसेप्ट को देख कर मैं ये कर रहा हूँ ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा चूंकि हमने बाहर माइनस कामन किया है तो ई पावर माइनस टू एच माइनस वन रह जाएगा और डिवाइड बाई टू एच अपनी जगह पर अब ऐसा करेंगे कि हमारे पास एक किस्म से दो टर्म्स आ रहे हैं दो बार हम यही फार्मूला यूज़ कर सकते हैं ये लिमिट वाला तो इसको ले आते हैं इसमें ई पावर टू एक्स तो अपनी जगह पर और ये जो ई पावर टू एच माइनस वन है इसके नीचे हम टू एच लिख लेते हैं अलग से और माइनस ई पावर माइनस टू एक्स अपनी जगह पर और इस दूसरे के नीचे भी ई पावर माइनस टू एच माइनस वन के नीचे भी टू एच लिख लेते हैं सही हो गया अब क्या होगा जब हमने इस तरह से कर लिया तो ये बात जेहन में रखी कि ई का जो पावर और नीचे जो होगा और डिनामिनेटर में वो सेम होने चाहिए तो इस दूसरे में ई का पावर माइनस टू एच है तो हमें नीचे भी माइनस टू एच चाहिए तो उसको हम यहाँ पर प्लस कर लेते हैं तो प्लस माइनस से हमारे पास अगेन माइनस तो मतलब वो माइनस साइन मैंने टू एच के साथ शिफ्ट कर दिया ताकि वो रूल के मुताबिक हो जाए तो अब ये दोनों अगर हम इन पर लिमिट अप्लाई कर दें तो ये दोनों वन के बराबर आ जाएंगे उसी कंसेप्ट के थ्रू तो हमारे पास आ जाएगा ई पावर टू एक्स और साथ में इस पर ये लिमिट अप्लाई हो जाए तो ये वन के बराबर क्योंकि ई का पावर और डिनोमिनेटर का टर्म सेम है दूसरा ई पावर माइनस टू एक्स और फिर ये दूसरा भी हमारे पास वन के बराबर आ जाएगा तो फाइनली जो हमारे पास रह गया वो है ई पावर टू एक्स प्लस ई पावर माइनस टू एक्स ठीक हो गया अब अगर आपको मैंने स्टार्ट में लिखवाया था कि ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स जो होता है वो हम डिवाइड बाई टू हमारे पास कास के बराबर होता है मैं यहाँ पर दोबारा से लिखवा दूँ काज हाइप्रोबोलिक एक्स इक्वल होता है ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स और डिवाइड बाई टू के ठीक हो गया तो यहाँ पर हम अगर ऐसा कर ले कि टू को मल्टीप्लाई डिवाइड कर ले तो हम इसमें काज हाइप्रोबोलिक एक्स ला सकते हैं तो ई पावर टू एक्स प्लस ई पावर माइनस टू एक्स डिवाइड बाई टू हो जाएगा टू को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया लेकिन एक और बात भी जहन में रखें कि ई का पावर हमारे पास टू आया है ना तो टू आया है तो इसका मतलब ये हुआ टू एक्स ई पावर टू एक्स है यहाँ पर यानी कि एक्स की जगह टू एक्स आया है तो ये हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है कास हाइपरबोलिक टू एक्स के बराबर हो जाएगी इस टू एक्स की वजह से ठीक हो गया तो यानी हमने साइन हाइपरबोलिक टू एक्स का डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से किया और उसने हमारे पास रिजल्ट दे दिया टू काज हाइपरबोलिक टू एक्स